इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूँ। हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूँ, हम लोग सभी विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूख जी सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। देखिए एकदम स्पष्ट मैं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए दूसरी माँ समान है, स्वाभाविक है, मैं भावुक होकर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरी जन्म देने वाली माँ जब हमको छोड़कर जा रही थी और जब चली गई तब मैंने मुरेठा बांधा था और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें विरोधी दल के नेता के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं व्यक्तिगत तौर पर कमिटेड आदमी हूं, आज भी कमिटेड हूं, लेकिन जब मेरी दूसरी मां भारतीय जनता पार्टी इसके सम्मान, इसके वजूद और इनके नेतृत्व का जो निर्णय होता है इसके सम्मान में यदि हमको अयोध्या जाकर अपना सर मुड़वाना पड़े तो मैं मुड़वाने के लिए भी तैयार हूं। बात स्पष्ट जानी, ये भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं मैं, ये पूरी टीम काम करती है, व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। और मैं तो कह रहा हूं, देखिए वो भावुक क्षण था जब मैंने ये बात रखा था, इसमें कहीं तो मत, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जब निर्णय लिया कि हम नीतीश कुमार जी के साथ जाएंगे तो मैंने कहा मैं अयोध्या जा रहा हूं, हम लोग सभी विजय जी, प्रेम जी, संजय मयूख जी सभी लोग जाएंगे और मैं अपना मुरेठा और सर को मुड़वा कर प्रभु श्री राम के चरणों में दूंगा। बिहार के विकास के लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं हो सकता, व्यक्तिगत निर्णय को निरस्त भी किया जा सकता, लेकिन समाज, समाज की समृद्धि, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारा दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। घंटों में आपने देखा और इस मंच पर अभी बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेम जी भी उपस्थित हैं। आपने देखा कि पिछले 48 घंटों के बिहार के राजनीति की स्थिति को आप लोगों ने देखा। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कल हम लोगों को प्रस्ताव मिला था कि भारतीय जनता पार्टी हमें सरकार में समर्थन करे, उसके बाद उनका दूत भी हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई थी बिहार में, लोकतंत्र संसार हो रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का काम किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को सरकार में रहकर लोग ये कह रहे थे कि 2024 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी, तो सारी स्थिति को आप लोगों ने देखा। बिहार के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 1996 में समता पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम किया था साथ, और लगातार एनडीए बनाकर 96 का चुनाव हो, 98 का चुनाव हो, 99 का चुनाव हो, 2000 का चुनाव हो, 2005 और 5 दूसरा 5 का चुनाव हो, लगातार लड़ती रही एनडीए और 2005 में जंगल राज को समाप्त करके बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया। तो पूर्ण रूप से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, अभी हम पार्टी का भी हम लोगों के साथ सहयोग है, निर्दलीय भी एक है, तो सभी लोग मिलकर जो डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश में मोदी जी, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
हम बिहार के विकास के लिए काम करेंगे, बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अधूरे सपने छूट गए उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। 2020 के चुनाव के बाद के समय हम लोगों ने पूरी तरह संकल्प लिया था और संकल्प घोषणा पत्र में हम लोगों ने डाला था, 10 लाख रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का कमिटमेंट था, उसको पूरा किया जा रहा है। 2021 में हम लोगों ने 1,75,000 सरकारी नौकरी निकालने का काम किया था और वो प्रोसेस में अभी तक पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाने का काम हम लोग करेंगे। रोजगार भी देने का काम किया जाएगा, बिहार को विकसित तौर पर खड़ा किया जाएगा और रेवेन्यू के स्तर को भी ठीक किया जाएगा कि बिहार में कैसे अधिक से अधिक रेवेन्यू उपलब्ध हो, जिससे कि बिहार के विकास के काम पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलित समाज में, किस तरह हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति के बीच में विकास की किरण कैसे पहुंचे, इसकी हम चिंता करने का काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।